साइंस में डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैल्केनियस स्पर या हील स्पर, या हिंदी में इसे एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है कैल्केनियस स्पर और होम्योपैथी में क्या है इसके कारगर इलाज। कैल्केनियस स्पर या हील स्पर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एड़ी की हड्डी के बढ़ जाने को हम लोग कैल्केनियस स्पर कहते हैं। कारण क्या है? जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में कैल्शियम एड़ी की हड्डी में जमा हो जाता है तो वह हील स्पर का फॉर्मेशन कर लेता है। हील स्पर के डेवलप होने में, मतलब बनने में बढ़ावा देने के कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे वज़न ज़्यादा होना, या किसी का जॉगिंग बहुत तेज़ी से करना, या दौड़ते रहना, या दौड़ने का काम करना, या भारी सामान उठाना, या कुछ लोग की चलने की स्टाइल में ही प्रॉब्लम होना, या बहुत ही हार्ड प्रकार के जूते या चप्पल पहनना। तो मित्रों, अगर आपको कैल्केनियस स्पर से निजात पानी है तो सबसे पहले तो आपको अपने चप्पलों को बदलना पड़ेगा, जूतों को बदलना पड़ेगा। सॉफ्ट जूते या चप्पल का यूज़ करें, और अगर आप बहुत दौड़ भाग का काम करते हैं तो वह कम कर दें, और अपना वज़न अगर ज़्यादा है तो उस वज़न को प्लीज़ कम करें। चलिए जानते हैं होम्योपैथी में क्या है इसका अचूक इलाज। मित्रों, मैं आपको तीन मेडिसिन बता रहा हूँ जिन्हें आपको एक साथ खाना है, और कैसे खाना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है अरिनिया डायडिनिमा 200 पावर में। जी हाँ मित्रों, 200 पावर में। इसे आपको 4 ड्रॉप सीधे ज़बान पर गिरा लेनी है, लगभग 7 दिन खानी है। और इसी के साथ आपको हेक्लालावा मदर टिंचर दिन में 2 बार, 10 ड्रॉप सुबह हाफ कप पानी में मिलाकर और 10 ड्रॉप रात में हाफ कप पानी में मिलाकर इसे लगभग 1 महीना खाना है। और अगली और तीसरी नंबर आखिरी नंबर दवा है आपकी कैल्केरिया फ्लोर 3x पावर में। इसकी 2 टिकिया सुबह और 2 टिकिया रात में सोते समय खाना, इसे भी आपको 1 महीने खाना है। मित्रों, यह दवा आप खा कर देखें, यह फार्मूला आपको किसी भी प्रकार के कैल्केनियस स्पर में 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।